मुरादाबाद के मैनाछेर थाना पुलिस को अंतर जनपदीय पशु तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सभी आरोपियों के कब्जे से 6 पशु, 1 पिकअप, 1 कार, 1 अवैध तमंचा और कारतूस समेत चाकू भी बरामद किए हैं। वहीं इसको लेकर पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी देहात ने अंतर जनपदीय पशु तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पशुओं को चोरी करके तस्करी करते हैं, जिसकी सूचना के आधार पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया। इसके बाद मुखबिर की सूचना के मुताबिक मैनाछेर थाना क्षेत्र में डिंगरपुर गांव निवासी मोहम्मद अली के घर पुलिस ने दबिश दी, जहां से कासगंज जनपद के रहने वाले 3 आरोपी आरिफ शाहिद फुरकान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मैनाठेर निवासी रिजवान मोहसिन और मकान स्वामी मोहम्मद अली फरार हो गए। पकड़े गए तीनों आरोपियों ने बताया कि वह चोरी करने से पहले उस जगह की रेकी करते थे, जहां उन्हें चोरी की वारदात को अंजाम देना होता था। इतना ही नहीं, सभी आरोपी जिन गाड़ियों से घूमा करते थे उन गाड़ियों की समय समय पर नंबर प्लेट भी बदल दिया करते थे, जिससे उनकी पहचान न हो पाए। पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से ठाकुर द्वारा इलाके में हुई भैंस चोरी बरामद करने के साथ ही तमंचा, चाकू, कारतूस और एक पिकअप के साथ i10 कार बरामद की है। पुलिस के मुताबिक कासगंज निवासी आरिफ के खिलाफ कासगंज थाने में भी मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्दी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। दिनांक 7 जून 23 को करीब 1:20 पे हमें एक सूचना मिली मुखबिरों के द्वारा कि इस तरह के कुछ लोग हैं जो पशुओं को चोरी करते हैं और उनको उनका अवैध कटान करवाते हैं, मतलब जो कटान करते हैं उन लोगों को भेज देते हैं। सूचना मिलने पर हमने एक टीम गठित की मैनाठेर पुलिस मुरादाबाद में, और टीम के द्वारा दबिश डाली गई डिंगरपुर चौकी एरिया है मैनाठेर का, वहाँ पे एक मोहम्मद अली है उनके घर पे दबिश डाली गई। तो मौके से 3 लोगों को पकड़ा गया, जिनका नाम है आरिफ, फुरकान और शरीफ। ये तीनों कासगंज के रहने वाले हैं और 3 व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से फरार हुए, जिसमें उनका नाम है एक रिजवान है जो मैनाठेर के अल्लाहपुर भीकन के रहने वाले हैं, मोहसिन ये भी मैनाठेर अल्लाहपुर भीकन के रहने वाले हैं, और मोहम्मद अली जिनका घर था ये भी वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठा के वहाँ से फरार हुआ। मौके से हमें एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी मिली और एक i10 कार मिली, उसके अलावा हमें एक अवैध तमंचा इनसे मिला है, 2 कारतूस, जिंदा कारतूस मिले हैं, उसके अलावा 2 चाकू बरामद हुए, उसके अलावा 3 भैंसें मिली और 3 भैंसे के जो पशु होते हैं छोटे वाले जिन्हें कटरे बोलते हैं वो मिले, और इनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस द्वारा एक और टीम गठित की, जो फरार लोग हैं उनकी दबिश डाली जा रही है और मुकदमा दर्ज कर इनको आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सर ये गाड़ियों की नंबर प्लेट भी कुछ एक्सचेंज किया करते थे? इसमें एक और इनके जो चीज़ सामने आई, जो हमने इनसे पूछताछ की, जो गाड़ी पे नंबर थे और गाड़ी का हमने चेक किया चेचिस वगैरह नंबर, तो ये मूल जो गाड़ी का नंबर था उससे अलग था। ये हमेशा अक्सर गाड़ियों के नंबर चेंज करके घूमा करते थे ताकि कोई इनको पकड़ ना पाए, आइडेंटिफाई ना कर पाए। इसके अलावा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री? हाँ, इसमें जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है शरीफ, उसका ऑलरेडी कासगंज में 163/23 मुकदमा संख्या है जो कासगंज में दर्ज है, 620/19। सर इनके पास जो पशु पकड़े गए हैं वो चोरी गए हैं या? ये पशु चोरी के हैं और हमारे अभी ठाकुर द्वारा में भी एक चोरी हुई है तो पता चला कि इन्होंने ठाकुर द्वारा से भी चोरी की। मान लिया इनके अन्य साथी 3 फरार हैं? हाँ, 3 अन्य साथी फरार हैं जिनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।